नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? हरनूर सिंह। हरनूर जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम पंजाब से हैं। और आपको पंजाब में कौन सी जगह के रहने वाले हैं आप? पटियाला डिस्ट्रिक्ट में। और आपको क्या दिक्कत आ रही है हरनूर, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अभी मुझे भागने में दौड़ने में जब भागता हूँ तो एकदम से निकल से जाता है और वो फिर भागा नहीं जाता, दर्द सी होती थोड़ी। कितने दिन पहले आपके घुटने में चोट लगी थी? मुझे 3-4 साल हो गए। तो 3-4 साल से आपने कोई इलाज कराया, कहीं किसी को दिखाया या कुछ ऐसा आपने डिस्कशन कहीं पे किया? पहले 1 साल तो मुझे पता ही नहीं लगा था क्योंकि एक्सरे में कुछ आ नहीं रहा था। फिर किसी ने सजेस्ट किया MRI कराने का। MRI कराया तो उसमें लिगामेंट का टूटा हुआ आया। तो फिर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे थे भी देसी इलाज से हो जाएगा, जैसे कैल्शियम वगैरह खाने से। वो हुआ नहीं। फिर आपको उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज की तारीख में आपको मेन प्रॉब्लम क्या महसूस होती है? मेन अभी, पहले तो चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी चलने में भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। आप रनिंग वनिंग स्पोर्ट्स इत्यादि कुछ कर पाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे लगी है? मैंने सर यूट्यूब पर आपकी वीडियोस देखी थी, वहाँ से पता लगा। ठीक है, तो एक बार पहले हम आपको एग्जामिन करते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद फिर आके आप MRI की स्टडी करते हैं। ठीक है, आओ लेट जाइए भैया। आप यहाँ पे इनके MRI की फिल्म्स भी मंगवा लेंगे। पैर को एकदम ढीला छोड़िए। तो जब हम हरनूर पैर को एंटीरियर ड्रावर टेस्ट कर रहे हैं तो आपके पैर में एक प्ले आ रहा है, ठीक है। और जब लैकमान टेस्ट करके देख रहे हैं तो भी प्ले आ रहा है। मेनिस्कस को हम चेक कर रहे हैं। इस पैर को भी एक बार ऊंचा करिए, इसमें इतना प्ले नहीं है, ठीक है। आ जाइए हरनूर। जो आपके MRI की फिल्म मैंने लगाई है, इसमें आप देखो तो ये जो पीछे दिख रहा है ये PCL लिगामेंट है, तो ये कर्व हो रहा है। नॉर्मली क्या एकदम स्ट्रेट होता है, और ACL लिगामेंट जो होता है वो नीचे की से ऊपर की ओर कनेक्टेड पूरी रस्सी होती है। अगर आपका ACL बिल्कुल नॉर्मल होता तो अपने को एक ऐसा दिखता, एकदम जैसे कोई काला बैंड होता है ना, ऐसे अपने को फिक्स रस्सी दिखनी चाहिए थी, तो वो आपके मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ACL लिगामेंट आपके टूटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि दूरबीन से आपका जो इलाज किया जाएगा, इसमें बायोस्क्रू एंडोबटन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। जो बायोस्क्रू यूज़ किया जाएगा वो अपने आप दोबारा पूरी तरीके से हड्डी बन जाएगा, यानी आपको उसको निकालने की कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बायोस्क्रू अपने आप बोन बन जाता है, उसके साथ एंडोबटन यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं आपको दोनों तरह के स्क्रूज़ दिखाता हूँ। आप इसको स्क्रू को देखिए, ये टाइटेनियम स्क्रू होता है। इसकी प्रॉब्लम ये आती है कि बाद में इसको आपको निकलवाना पड़ सकता है। नॉर्मली काफ़ी सारी जगह ये स्क्रू यूज़ होता है, हम जो स्क्रू यूज़ करेंगे वो ये बायोस्क्रू होता है। तो इसकी खास बात क्या होती है, लाइट वेट है, अपने आप बोन बन जाएगा, इसको निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हो फ्यूचर में आपका प्लान है फॉरेन जाने का, कनाडा जाने का, तो फ्लाइट्स में भी आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं आता, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ नहीं होता, ठीक है। कल आज हम आपका 2 घंटे बाद ऑपरेशन करेंगे, कल से आप चलना फिरना स्टार्ट कर देंगे। आपके पैर पर एक नी ब्रेस रहेगा जो आपको 45 दिन के लिए लगाना होगा, उसके बाद आप ब्रेस छोड़ सकते हो। बाकी बेंडिंग की जो एक्सरसाइज है वो आपकी कल से ही स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और रनिंग, जंपिंग, ये सब आपका 3rd महीने से हम जॉगिंग स्टार्ट करा देंगे, 4th-5th महीने से आप रनिंग कर सकते हो। सीढ़ियाँ चढ़ना फिर आपका 45 दिन के करीब आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको भी कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आप पूछना चाहते हो? नहीं, अभी तो कोई नहीं, आपने सब क्लियर कर ही दिए। तो ठीक है, अभी आपको कुछ खाना पीना नहीं है, 2 घंटे के बाद आपकी सर्जरी होगी, और जब आप यहाँ से डिस्चार्ज करोगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको भी हम लोग बाकी लोगों को अपडेट करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।